अरे आ गइले हो, अरे आ गइले हो, चाचा भतीजा के सरकार हो। लेकिन बात तेजस्वी यादव लग रहा है कि दारू चालू करेंगे। नियम से लड़का को बेजगार जो घूम रहे हैं उनको नौकरी देना। 10 लाख के जगह पर तेजस्वी यादव बोले हैं हम लोग का साहब कि नौकरी देंगे, लेकिन 10 के जगह 20 लाख होने वाला है। नमस्कार, गंगा न्यूज में स्वागत है। देखिए आज हमारे साथ सिंगर बबुआ विनोद जी हैं। सबसे पहले स्वागत है गंगा न्यूज में। गंगा न्यूज के जितने भी दर्शक देखने वाले हैं सबको नमस्कार प्रणाम। ये बताइए कि आप राजद का हमेशा काम करते हैं, राजद के लिए गाना उना भी गाते हैं, और ये बताइए जो कि अभी अभी जो सरकार बना है नीतीश और आरजेडी का, तो क्या कहिएगा? बहुत खुशी की बात है जी जी। और हम चाह भी रहे थे कि सरकार बने, क्योंकि हम लोग सावन में देवघर गए थे, आपको पता है हम और छोटू छलिया भैया, तो हम लोग वहाँ से ही मन्नत भोले बाबा से मांगे थे कि जल्द हम लोग का सरकार बने और लालू जी हम लोग का स्वस्थ हो। ये बताइए कि नीतीश जी तो हमेशा पलटी मारते रहते, पहले आरजेडी में थे, फिर भाजपा में गए, फिर आरजेडी में, तो क्या लगता है सभी लोग उनको पलटू राम कह रहे हैं, तो क्या इसमें अब क्या चाहना से पलटी नहीं मारेंगे अब? ये तो समय के बात होता है। नीतीश चाचा जो पलटी मारे हैं उस समय भी पलटी मारे थे, उनको बीजेपी में कुछ दिक्कत हुआ है और दिक्कत हो रहा था, इसलिए वो आरजेडी में आ गए। इसमें दिक्कत क्या है? तो इसमें अगली बार भी तो आरजेडी में थे तो चले गए पलट के भाजपा में। उनका थोड़ा इधर उधर दिमाग हो गया था, लेकिन वे चाचा भतीजे के बिना बिहार का सरकार नहीं चलेगा, मतलब बिहार चालू ना हुई। तो ये बताइए कि ये नेता आपस में पलटी उल्टी मारते रहेंगे तो बिहार का विकास हो जाएगा? ना, ये तो नहीं होगा, लेकिन जब तक चाचा भतीजा रहेंगे तो बिहार में बहुत विकास होगा। अब की बार बहुत विकास होगा। 10 लाख के जगह पर तेजस्वी यादव बोले हैं हम लोग का साहब कि नौकरी देंगे, लेकिन 10 के जगह 20 लाख होने वाला है। 20 लाख नौकरी मिलेगा। क्या गारंटी है? भाजपा सरकार भी आई थी कि 20 लाख हम देंगे रोजगार, तो कहाँ चला गया 20 लाख? उसके बाद आरजेडी भी बोले थे कि हम देंगे 10 लाख, तो क्या गारंटी है कि आरजेडी दे पाएगी 10 लाख नौकरियाँ? भाजपा सरकार सिर्फ हवा में उड़ाते हैं कि हम देंगे, लेकिन तेजस्वी बाबू बोले थे, सरकार नहीं आया था, लेकिन अब आ गया, दिखाएंगे करके, 1 महीना के अंदर भर्ती निकालेंगे। वो तो देखने वाली बात होगी आगे कि क्या ये सरकार में टिक पाते हैं कि नहीं टिक पाते हैं, उसके बाद तो नौकरी देंगे कि नहीं। लेकिन नौकरी का मैं देखता हूँ कि अभी कई मीडिया लोग लिए हैं तो वो बोल रहे थे कि पहले भाजपा जो बोले थे उससे तो कोई सवाल पूछने नहीं आता, आज मेरा सरकार बनते ही सब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कब देंगे 10 लाख नौकरी। बहुत जल्द देंगे। उनका पहला मकसद है नौजुवक लड़का को नौकरी देना, नौजुवक लड़का को बेजगार जो घूम रहे हैं उनको नौकरी देना। उनका पहला मकसद ये है कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देना है। आज शराब के मामले में क्या होगा कि जो कि शराब बंद है और लगातार मौतें हो रही है हर जगह, आप भी देखते हो कि जहरीली शराब हर गांव में मिल रहा है, अभी छपरा में, बेतिया में, कहीं कहीं हर जगह आप पेपर के न्यूज के माध्यम से देखते हैं कि शराब, जहरीली शराब से मौतें होते रहती है, तो क्या इसमें शराब चालू होना चाहिए कि बंद होना चाहिए? ये तो सरकार के ऊपर है, अगर सरकार दारू नहीं चालू करे तो अच्छा है, लेकिन बिहार में दारू पूर्ण रूप से बंद हो जाए तो सबसे उत्तम। तो पूर्ण रूप से तो बंद है लेकिन फिर भी मिल रहा है, कहीं ना कहीं पब्लिकों का कहना है कि पुलिस का मिली भगत है, मिली भगत से ही ये सारा जो शराब माफिया लोग हैं वो लोग अपना शराब बेच रहे हैं। अब नहीं होगा, अब तेजस्वी बाबू आ गए, अब ऐसा बात नहीं होगा। चालू हो जाएगा तो पूरा खुलेआम चालू होगा, नहीं तो बंद होगा तो कहीं दारू नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले नहीं थे तेजस्वी बाबू, अब तेजस्वी बाबू बिहार में आ चुके हैं। तो क्या कहेंगे तेजस्वी जी से, एक संदेश अपना दे दीजिए? हम तेजस्वी बाबू से यही कहेंगे कि अगर चालू करना है तो चालू करिए, और आधार कार्ड पर 1 क्वार्टर दीजिए जिनका आधार कार्ड है, और नहीं तो बंद है तो पूरा पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए और प्रशासन को टाइट किया जाए कि शराब मुक्त किया जाए बिहार से। जी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि लगातार मौतें हो रही है, तो ओरिजिनल जो सरकारी ठेके से मिलेगा तो ओरिजिनल तो कम से कम मिलेगा, लोग जहरीली शराब से तो नहीं मरेंगे ना? वही होगा तेजस्वी बाबू, वही करेंगे। अब जब दारू चालू होगा तो ठेके से ही मिलेंगे, पूरा जो खुला आउच पाउच मिलता है ये सब बंद हो जाएगा। तो क्या लगता है कि बिहार में दारू चालू होने वाला है? अब तो देखिए उन लोग का हाथ में है, हम तो चाहेंगे चालू हो जाए, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, ताकि ये सब अंडर बंडर दारू जो चल रहा है इससे तो बचाओ, पी पी के मर रहे हैं उससे तो अच्छा है ना,
सबसे अगर जे बंद हो जाएगा तो इस सबसे तो नहीं ना लोग मरेगा, तो बढ़िया चालू हो जाए, ठेका से मिले, एक आधार पे एक पौवा मिले, अपना लोग घर से आके पिए। कुछ सरकारी नियम लगा दे, कायदा लगा दे, कानून लगा दे, जिसको एक क्वार्टर मिल रहा है तो आधार पे एक ही क्वार्टर मिलेगा, उस तरीके से सरकार में, बिहार सरकार में मौतें कम होगी, क्योंकि लगातार शराब माफिया लोग अपना दारू का कारोबार गलत तरीके से चलाते हैं, जहरीली कांड हो जाता है उसमें कि काफ़ी घर बर्बाद हो रहे हैं कि नहीं। सही बात है, बहुत गरीब मर रहे हैं, आउच पाउच पी के मर रहे हैं, सरकारी ठेका चालू हो जाएगा तो बढ़िया से लोग अपना जाके एक पुआ लेगा, पी के सो जाएगा। उसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी फायदा होगा, बेनिफिट होगा, सरकार का भी आएगा, बहुत होगा, बहुत फायदा होगा। दारू बंद से सरकार की घाटा है, हर स्टेट में दारू चल रहा है, सिर्फ बिहार में बंद है, लेकिन तेजस्वी यादव लग रहा है कि दारू चालू करेंगे, नियम से लेकिन करेंगे, नियम नियम बना कर रखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक गाना हो जाए, आप तो गायक है ना, एक गाना हो जाए सरकार पे, जो सरकार बना है अभी तेजस्वी सरकार। अरे आ गइल हो, अरे आ गइल हो, चाचा भतीजा के सरकार हो, बिहार में आइल चाचा भतीजा के सरकार हो, विकास होई और पूरा बिहार के विकास हो, आ गइल हो चाचा भतीजा के सरकार हो। काफी लोग तो पहले कह रहे थे, भाजपा के लोग आज भी कह रहे हैं कि अब फिर से जंगल राज चालू हो गए, क्योंकि अभी बेतिया में एक साधु का हत्या हुआ सरकार बनने के बाद, और छपरा में मौतें हुई है, और एक पत्रकार का हत्या हुआ है जमुई तरफ, तो क्या कहिए। देखिए जिनका सरकार रहता है तो पूरा होता, अब सरकार टूट गया है तो कुछ अनाप शनाप बोलते रहेंगे। यही पहले जब आरजेडी महागठबंधन का सरकार बना था तो नीतीश बाबू चले गए थे, एनडीए में चले गए, तो उस समय उन लोग का कुछ नहीं। अब जब नीतीश बाबू महागठबंधन में आ गए तो किस्म किस्म का बहाना, ये कर देंगे, ये किए बोलने, काफी लोग धरना भी दे रहे हैं। धरना और क्या बचा है, यही देंगे। अब अकल पकड़ रोटी मिल रहा था ना, तो किसी का पकड़ पकड़ रोटी खाने में मजा आ रहा था, अब बुझाएगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार है तो सब विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं, सिर्फ हवा में लोग बोलता है कि ये कर देंगे 10 लाख युवाओं को नौकरी, तेजस्वी बोले हैं तो दे कर दिखाएंगे।